हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आगे हुए हैं, मैं नया ट्यूटोरियल लेके नए नए ट्यूटोरियल में लाती रहती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे टॉपिक पे, और हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जनरली जो भी हमारे पास मेकअप के लिए कोई भी क्लाइंट्स आता है या हम कहीं मेकअप के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि मेरा मेकअप वाटरप्रूफ करना, मुझे पसीने नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि वाटरप्रूफ मेकअप नहीं होता है, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट होते हैं। पसीने मुझे भी आते हैं और ऐसे आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि उस पसीने को डैब डैब करके साफ कर लेती हूँ। कि आप कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसे डैब डैब करके साफ कर लीजिए, पसीने मुझे भी आते हैं। मेन ये है कि पसीने आए आपको, लेकिन पसीने के संग आपका मेकअप नहीं बहना चाहिए कि लगा पसीना आए और आपका मेकअप ऐसे बह जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो वाटरप्रूफ मेकअप नहीं होता है, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर आप मेकअप करते हैं, सपोज आपने मेकअप कर लिया, आपने प्रोडक्ट लगा लिया, आपने हुडा लगा लिया, नार्स लगा लिया, एसी लॉडर लगा लिया, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये सारे प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है, तो आपको पसीना आएगा लेकिन आपका मेकअप ऐसे बहेगा नहीं, ऐसे नहीं बहेगा। मेकअप आए अपना होगा और आपका सिर्फ पसीना आएगा, साथ में मेकअप नहीं बहेगा जो ये ऐसे बह रहा है। तो क्या होता है कि आप अच्छे प्रोडक्ट यूज करोगे, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट यूज करोगे, तो आपको पसीने आएंगे लेकिन आपका मेकअप ऐसे नहीं बहेगा कि पसीने के साथ आपका मेकअप बह गया, फाउंडेशन हट गया वहां से, उसके साथ काजल भी बह रहा है, उसके बाद पैचेस पड़ रहे हैं। तो क्या होता है, अगर आपको अच्छा मेकअप चाहिए जिससे कि पसीना आए, कोई बात नहीं, सबको आता है, ठीक है। आप डांस कर रहे हैं शादी में जाके, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो पसीना तो आएगा, ऑब्वियसली बात है, पसीना आएगा, आने दीजिए। मेन अगर आपको वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए तो आपको उसके लिए थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। अब आप लेके आ जाएंगे बाजार से, मार्केट से आप लेके आ जाएंगे 300 रुपए का फाउंडेशन, 200 रुपए का फाउंडेशन, वो लगा के चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है पसीना आएगा, तो उसका हाल तो ऐसा होगा ना, वो बह जाएगा पसीने के साथ, मेकअप भी आपका पूरा बह जाएगा जैसे ये बह रहा है ऐसे। तो आप अगर मेकअप आपको वाटरप्रूफ चाहिए तो आप उसके साथ पैसे भी खर्च करिए, आप थोड़े पैसे खर्च करिए और थोड़े प्रोडक्ट अच्छे लीजिए, वाटरप्रूफ लीजिए। जैसे आप हुडा लीजिए, एस्ट्रोलॉजर लीजिए, आप एनास्थेसिया लीजिए, आप नार्ज लीजिए, आप देखिए, आप डांस करिए शादी में, एंजॉय करिए, कुछ भी करिए, आपको स्वेट होगा, पसीना आएगा, लेकिन आपका मेकअप नहीं बहेगा, आपका मेकअप एग्जैक्ट वही का वही रहेगा। तो ये होते हैं वाटरप्रूफ प्रोडक्ट। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया हो अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वाटरप्रूफ मेकअप नहीं होते हैं, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट होते हैं, जो आपको हमेशा वाटरप्रूफ प्रोडक्ट यूज करने हैं, जिससे कि अगर आपका पसीना आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप प्रोडक्ट यूज करें, थोड़े महंगे करें, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पैसे खर्च करिए, चाहे आप एक प्रोडक्ट रखिए लेकिन अच्छा रखिए, 200-300 वाला प्रोडक्ट मत रखिए। तो जब भी यूज़ करिए अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करिए, आप एस्ट्रोलॉजर यूज़ करिए, आप एलिगर्ल यूज़ करिए, आप हुडा यूज़ करिए, आप नार्ज यूज़ करिए, आप एनास्थेसिया यूज़ करिए, जो भी करिए अच्छा करिए, जिससे कि आपका मेकअप वाटरप्रूफ हो। मत यूज करिए प्लीज, और जो लोग मेकअप करने जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको भी कि नहीं है अगर आपके पास पैसे तो आप अभी मत लीजिए, जब होंगे तब ले लीजिएगा। लेकिन वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आती हूँ और अच्छे अच्छे हैक में लेके आती रहती हूँ। चलिए, तब तक के लिए बाय।